सो आज का वीडियो है सेंटोरिनी के ऊपर। इस वीडियो में मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आप कैसे इंडिया के किसी भी कोने से सेंटोरिनी पहुंच सकते हैं ना चीपेस्ट वे, और वहां क्या क्या एक्टिविटीज़ है करने के लिए। सो पूरा वीडियो एंड तक देखिए। सेंटोरिनी ग्रीस में लोकेटेड है। ये ग्रीस के कुछ आइलैंड्स में से सबसे बड़ा आइलैंड है। ये ग्रीस के मेन लैंड से 200 किलोमीटर दूर है। सेंटोरिनी एक वोल्केनिक आइलैंड हुआ करता था जो अब डोरमेंट हो चुका है। इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल आइलैंड एंड गिव्स यू अ ब्रेथ टेकिंग व्यू एंड इज फेमस फॉर स्टनिंग सनसेट्स फ्रॉम ओया टाउन। दिस प्लेस इज अ वर्ल्ड वाइड फेमस हनीमून एज वेल एज फैमिली डेस्टिनेशन। द फाइव बेस्ट टाउन्स एंड विलेजेस टू विजिट इन सेंटोरिनी आर ओया, फीरा, एम्पोरियो, एक्रोटीरी एंड आइमीरो विगली। सेंटोरिनी में सिर्फ एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसका नाम है सेंटोरिनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और थीरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आपको सेंटोरिनी के लिए फ़्लाइट्स कहीं से भी मिल जाएंगी, पर चीपेस्ट और फास्टेस्ट फ्लाइट सिर्फ आपको दिल्ली से ही मिलेंगे। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जहां कहीं भी हैं पहले दिल्ली एयरपोर्ट आ जाएं। सेंटोरिनी के लिए आपको कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं मिलेंगे, सब फ्लाइट्स दो स्टॉपेज के साथ है। इसका वन वे फ्लाइट का प्राइस पड़ जाएगा अराउंड 26,900 रुपीज़ के आसपास पर पर्सन, और ये 19 आवर्स 45 मिनट्स का जर्नी होगा विद टू स्टॉपेज इन बिटवीन, दैट इज इस्तांबुल एंड एथेंस। आप जैसे ही एयरपोर्ट लैंड करेंगे आपको किसी एक होटल में जाना पड़ेगा। अब मैं आपको बता देता हूँ टॉप 5 चीपेस्ट विद बेस्ट रिव्यूज होटल्स टू स्टे इन सेंटोरिनी। नंबर 1 है आइडियाडा होटल। ये एक 2-स्टार होटल है। इसका पर नाइट रूम का प्राइस पड़ जाएगा अराउंड 2000 रुपीज़ के आसपास फॉर 2 पर्सन्स। ये सेंटोरिनी एयरपोर्ट से 13 किलोमीटर दूर है, 19 मिनट्स लगेगा कार से जाने में। सेकेंड है नोनीज अपार्टमेंट। ये एक 3-स्टार होटल है। इसका पर नाइट रूम का प्राइस पड़ जाएगा अराउंड 5000 रुपीज़ के आसपास फॉर 2 पर्सन्स। ये एयरपोर्ट से 5.4 किलोमीटर दूर है, 9 मिनट्स लगेगा कार से जाने में। थर्ड है अल्बेट्रस होटल। ये भी एक 3-स्टार होटल है। इसका पर नाइट रूम का प्राइस पड़ जाएगा अराउंड 5,350 रुपीज़ के आसपास फॉर 2 पर्सन्स। ये एयरपोर्ट से 3.9 किलोमीटर दूर है, 7 मिनट्स लगेगा कार से जाने में। फोर्थ है स्वीट्स ऑफ गॉड्स। ये एक 4-स्टार होटल है। इसका पर नाइट रूम का प्राइस पड़ जाएगा अराउंड 5,900 रुपीज़ के आसपास फॉर 2 पर्सन्स। ये एयरपोर्ट से 6 किलोमीटर दूर है, 11 मिनट्स लगेगा कार से जाने में। नंबर 5th है वॉल्केनो व्यू होटल। ये एक 5-स्टार एंड लग्जेरियस होटल है। इसका पर नाइट रूम का प्राइस पड़ जाएगा अराउंड 37,600 रुपीज़ के आसपास फॉर 2 पर्सन्स। ये एयरपोर्ट से 4.3 किलोमीटर दूर है, 9 मिनट्स लगेगा कार से जाने में। सो ये था लिस्ट ऑफ टॉप 5 होटल्स। अब मैं आपको बता देता हूँ टॉप 10 थिंग्स टू डू इन सेंटोरिनी। नंबर 1, रेड बीच। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड ब्यूटीफुल बीचेस ऑफ सेंटोरिनी। दिस इज अ वॉल्केनिक बीच विच इज मेड अप ऑफ रेड पोरस रॉक्स एंड इज फेमस फॉर इट्स क्रिस्टल क्लियर ब्लू वाटर एंड ब्यूटीफुल स्काइज। नंबर 2 है एक्रोटीरी। दिस इज द सिविलाइजेशन ऑफ द ब्रॉन्ज एज सिटी। इट इज लोकेटेड इन द वॉल्केनिक आइलैंड ऑफ थीरा। दिस इज एन एंशियंट सिटी एंड वॉज डिस्कवर्ड बेरिड अंडर द वॉल्केनिक एशेज। इन रीसेंट टाइम्स एक्रोटीरी हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस ट्रैवल डेस्टिनेशन इन सेंटोरिनी। नंबर 3 है एंशियंट थीरा। दिस इज अ मोस्ट फेमस एंशियंट सिटी विच इज लोकेटेड ऑन अ रिज ऑफ अ माउंटेन इन द आइलैंड ऑफ सेंटोरिनी। इट इज एन हिस्टोरिकल प्लेस एंड इज अ फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन। नंबर 4 है म्यूजियम ऑफ प्री हिस्टोरिक थीरा। दिस इज अ फेमस म्यूजियम लोकेटेड इन फीरा। दिस म्यूजियम हैज़ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ आर्टिफैक्ट्स एंड द हिस्ट्री ऑफ सेंटोरिनी। इट हैज़ एन एंट्री फीस ऑफ अराउंड 250 रुपीज़ पर पर्सन। दिस प्लेस इज ओनली क्लोज्ड ऑन मंडे एंड इट्स ओपनिंग आवर्स आर 8:30 AM to 3 PM। नंबर 5 है विलेज ऑफ ओया। द विलेज ऑफ ओया इज फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल हाउसेज एंड मोस्टली फॉर इट्स सनसेट। इट हैज़ द मोस्ट फेमस एंड रोमांटिक सनसेट्स इन द वर्ल्ड। This village is no less than a dream place and crowds of people gather here to watch the beautiful and memorable sunset. Number 6th hai boat trip to the volcano. The famous volcano of Santorini is the greatest attraction of the island. It is an active volcano and gives an amazing sight. You can take a boat trip to the volcano which will give you a stunning view. This boat trip will also include swimming in the thermal water of the volcanic hot springs. Number 7th hai gaze the caldera. This is a small island which is made up of volcanic eruptions and covers the west part of Santorini. There are some cafes, restaurants and hotels in the island to get the most of it. This island offers the most exquisite view. Number 8 hai cliff jumping at Amoudi Bay. This is not a beach but is a small port that lies at the bottom of Oya village and is a perfect spot for swimming. This port is famous for its crystal clear blue water and if you are brave enough you can jump from the high rocks to get a memorable experience. Number 9th hai Akrotiri Lighthouse. You can visit one of the most gorgeous places to see in Santorini, that is the Akrotiri Lighthouse.
एक्सप्लोर द ड्रामेटिक कोस्ट लाइन विद ब्यूटीफुल एंड रोमांटिक व्यूज। नंबर 10th है एक्सप्लोर अ कैसल। द आइलैंड ऑफ सेंटोरिनी हैज 5 फेमस एंड वंडरफुल कैसल्स। दे कैन बी फाउंड इन द विलेज ऑफ ओया, इमिरोविगली, वर्गोस, एम्पोरिया एंड एक्रोटीरी, एंड सम ऑफ देम कैन गिव यू एन ऑसम व्यू। सो ये था लिस्ट ऑफ टॉप 10 थिंग्स टू डू इन सेंटोरिनी। और किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप सेंटोरिनी की ऑफिशियल वेबसाइट को प्रेफर कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, और ट्रैवलिंग से रिलेटेड ऐसा ही वीडियो देखना है तो सब्सक्राइब करिएगा। सो बाय एंड एंजॉय योर जर्नी।